फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है रेइनफोर्सिंग फिलर पर। हमने आपको पर्टिकुलर फिलर्स बता दिए, ये उसी का टाइप्स है। पर्टिकुलर फिलर्स के अंदर आता है इनर फिलर एंड रेइनफोर्सिंग फिलर। जो इनर फिलर था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और चलिए स्टार्ट करता हूँ। रेइनफोर्सिंग फिलर, रेइनफोर्सिंग फिलर पर्टिकुलर फिलर्स are those substances which are added into the plastic material to increase physical properties, mechanical properties and improve chemical properties. जब हम इसको एक छोटी मात्रा में मिलाते हैं तो हमारी physical property को हम increase कर सकते हैं और mechanical properties को भी increase कर सकते हैं, improve chemical properties. इसकी जो chemical properties हो होती है वो हम उसको increase कर सकते हैं. They are formed in fine small particles. इनको हम fine particles में मिलता है, फाइन पार्टिकल्स में या स्मॉल साइज में मिलता है। गुड एंड स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। और पॉलीमर और रेइनफोर्सिंग फिलर में हमारा कंपैटिबिलाइजर अच्छी तरह से होता है, मिक्सिंग अच्छी तरह से होती है। उसके बाद हमारा रेइनफोर्सिंग फिलर्स आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शन फिलर्स और एक्टिव फिलर्स। रेइनफोर्सिंग फिलर्स को हम दो नाम से जानते हैं, नंबर एक होता है फंक्शन फिलर और दूसरा होता है एक्टिव फिलर्स। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। रेइनफोर्सिंग फिलर में ही आता है आपका फंक्शन फिलर एंड एक्टिव फिलर्स। उसके बाद है हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है इंक्रीजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ। हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ को और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस को भी बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग द एचडीटी, एचडीटी का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया है कि हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। या आप कह सकते हैं हीट डिस्टॉर्शन टेम्परेचर। पार्शियली इंप्रूव इन इंपैक्ट स्ट्रेंथ, इसकी हम इंपैक्ट स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। एग्जांपल है जो हम जिसके द्वारा हम जो पॉलीमर या प्लास्टिक में हम यूज करने वाले हैं उसके होते हैं कार्बन, एस्बेस्टस, सिल्का, माइका, ग्लास, सीसर एंड जूट। ये सभी हमारे, और कार्बन का कार्बन बॉक्स होता है, कार्बन ब्लॉक्स होता है, सॉरी कार्बन ब्लॉक्स हम यूज करते हैं इसमें। तो चलिए, आज का आपका रेइनफोर्सिंग फिलर्स पे कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट जो हमारे फिलर्स के नेक्स्ट टाइप्स हैं वो मैं आपको लेके आने वाला हूँ। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।